Hello and welcome, respected teachers. I have been suggested to make a video on 5e lesson plan format by a number of my colleagues. तो आज की इस वीडियो में हम 5e format के मुताबिक lesson plan बनाने की बात करेंगे. I'll try to make it lucid and understandable to the best of my capacity and capability. इस वीडियो में हम सिर्फ उन 5 E's या steps की बात करेंगे. Dear teachers, सेट ट्रेनिंग के बाद से हम जो लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट यूज़ करते आए हैं, इसमें ये स्टेप्स थे, यानी ओपनिंग, आई डू, वी डू, यू डू एंड क्लोजिंग, यानी 5 steps थे इसमें. ये फॉर्मेट भी बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट था जहाँ तक कि लेसन प्लानिंग का सवाल है. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फॉर्मेट में ज़्यादा फोकस टीचर पर है, इसलिए 5E का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जो कि चाइल्ड सेंट्रिक माना जाता है और इसमें स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है. इसमें जो 5 E's हैं, या ये कह सकते हैं कि जो 5 steps इसमें हैं, वो ये हैं, इस तरीके से हैं: एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबरेट एंड इवेल्युएट. सबसे पहले एंगेज की बात करेंगे. इस स्टेप में एक उस्ताद बच्चे का ध्यान टॉपिक की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा करता है. ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती बच्चे को टॉपिक की तरफ रागिब करता है, बल्कि कुछ ऐसा करता है ताकि बच्चा कुछ सीखने के लिए बेचैन हो जाए. फिर चाहे एक उस्ताद वॉइस मॉड्यूलेशन, स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चनिंग, वीडियो या कोई इमेज, एक्टिंग ए कैरेक्टर जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बच्चों का ध्यान टॉपिक की तरफ कर सकता है. इस स्टेप में इन 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है. वो एक्टिविटीज चुनना जो कि लर्नर यानी बच्चे का ध्यान टॉपिक की तरफ खींचे. नंबर 2, टॉपिक के रिलेटेड बच्चे के पास कितनी नॉलेज है, जिसको हम प्रीवियस नॉलेज कहते हैं, उस नॉलेज को सामने लाने की कोशिश करना है, चाहे मुख्तसर बातचीत से या फिर चंद सवालात पूछकर, वीडियो या फिर इमेज दिखाकर, या कोई स्टोरी टेलिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके किया जा सकता. तीसरी बात ये कि बच्चे को नई चीज़ें खोजने की वजह फराहम करना, ताकि वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोई कार लाकर इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सके. ये था नंबर 1 यानी एंगेज. उसके बाद दूसरा स्टेप एक्सप्लोर है. इस एक्सप्लोर स्टेप के बारे में हम इस तरीके से बात करेंगे. चूँकि पहले स्टेप की बदौलत अब बच्चे इस टॉपिक में अच्छी तरह इन्वॉल्व हो गए हैं, अब वक्त है कि इन्हें इस कंसेप्ट में और खोज करने की आज़ादी मिले. अब इन्हें आप जुज़्वी यानी जिसको हम इंडिविजुअल लेवल कहते हैं, या फिर ग्रुप्स में काम करने का मौका दे दें, ताकि वो अपनी ज़हानत और सलाहियतों को काम में ला सकें. इन्हें काम करने का एक मौका मिले, नई नॉलेज के साथ प्रैक्टिस करने का एक मौका मिले. ये चंद एक गलतियाँ भी कर सकते हैं. इस तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाकर लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज या स्किल हासिल करेंगे. इस स्टेप का ये भी मकसद है कि कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले ऐसे पेश करना ताकि स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुमकिन सवालात के जवाब आज खुद तलाश कर सकें. इसमें इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है. वो अमल देना जो बच्चे को सोचने, खोज करने, फैसला करने, हल करने और मालूमात हासिल करने पर मजबूर कर सके, और ऐसी अमल देना जो कि एक्सप्लोरेटिव हो, यानी जिसमें बच्चा एक्सप्लोर करने की कोशिश करे. इसके बाद का स्टेप जो है वो है एक्सप्लेन. कामयाबी के साथ पहले 2 steps का इस्तेमाल करने के बाद अब इस स्टेप में बच्चों को अपने उस्ताद से सुनने का मौका मिलता है. एक उस्ताद फैसिलिटेटर का काम अंजाम देता है, एक साइकोलॉजिस्ट की तरह सोचकर उन सवालात के जवाब भी देने की कोशिश करता है जो कि बच्चे के मन में इस कॉन्सेप्ट के बारे में उठे होंगे. यहाँ पर लेक्चरिंग से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लोरिंग के थ्रू बच्चे ने जो नॉलेज हासिल की होती है, इस स्टेप में इनकी और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट होती है. इस स्टेप में हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, जिनको हम हॉट क्वेश्चनिंग कहते हैं, उसके ज़रिए एक उस्ताद ये पता लगाने की कोशिश करता है कि
क्या वाकई बच्चे ने कॉन्सेप्ट को समझा है या अभी नहीं समझा है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई लर्निंग गैप तो नहीं रह गई है, तो फिर वो इसी तरीके से अपना आगे का सिलसिला जारी रखता है। तो चौथा स्टेप है इलाबरेट। इस स्टेप में स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट जो कि टीचर पढ़ा रहा होता है इसमें इजाफा या वसत लाने में शामिल होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि कॉन्सेप्ट को दोहराए यानी रिपीट करे या कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा डिटेल भर दे, इसको हम इलाबरेट कहते हैं। यहाँ पर डिफ्रेंसेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ यानी जो बच्चा हाई अचीवर हो या जिसे हम एबो एवरेज स्टूडेंट कहते हैं उसे हम एक्स्ट्रा डिटेल दे सकते हैं, इजाफी दलाइल दे सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो एबो एवरेज स्टूडेंट्स हैं इलाबोरेशन के ज़रिए इन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज इस कॉन्सेप्ट के बारे में दी जाती है, और जो एवरेज स्टूडेंट्स या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये नॉलेज या सिकल यानी ये कॉन्सेप्ट दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है, ताकि बच्चे में मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे या कोई लर्निंग गैप ना रहे। इस स्टेप में एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों को इस काबिल बना सके कि वो अपने इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना सीखे, और उनकी अंडरस्टैंडिंग या समझ कहिए और हुनर यानी स्किल को इस कदर बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि वो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में इनको बरोई कार ला सके, इस्तेमाल कर सके। और हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है इस इलाबरेट सेक्शन में या स्टेप में कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। पांचवा और आखिरी स्टेप जिसे हम इवेलुएट कहते हैं। अब जबकि एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और इलाबरेट स्टेप्स में एक उस्ताद ने अपना मुंतखिब करदा ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए काम किया है, अब असेसमेंट का वक्त है ताकि हमें पता लग सके कि क्या बच्चों ने सही से कॉन्सेप्ट जो कि हम इन्हें देना चाहते थे सीखा भी है या कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कहीं लर्निंग गैप तो नहीं रह गई है। यानी एक टीचर को इस असेसमेंट से पता चलता है कि बच्चों ने क्या समझा है और इन्हें और मदद करने के लिए क्या करना होगा। असेसमेंट सिर्फ रिवायती यानी कन्वेंशनल तरीकों से ही नहीं की जा सकती, जैसे कि सिर्फ सवाल पूछना, नहीं बल्कि और भी तरीके हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं बच्चों को, मॉडल, बुक रिपोर्टिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी असेसमेंट जो कि हमने पेडागॉजीज में भी देखा या उन मॉड्यूल्स में भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में आपको इल्म ऑलरेडी होगा। तो अब बात करते हैं रूब्रिक की। रूब्रिक का इस्तेमाल करने से टीचर और पेरेंट्स आसानी से बच्चे के ग्रेड्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा और इन्हें और क्या सीखने की ज़रूरत है। तो मोहतरम असातिज़ा साहिबान, ये 5E लेसन प्लान का फॉर्मेट था जिसे मुझ नाचीज ने अपनी महदूद सलाहियत के साथ आप हजरात के सामने रखने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम लेसन प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे तमाम वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अल्लाह निगह।